तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? सभी उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज एकादशी का मेरा पारण है, तो मैं पंडित जी को खाना खिलाती हूँ ना। तो ये मेरी सब्जी बन रही है आलू टमाटर की, और इधर मैंने ये इसका भरता बना लिया है आलू का, और इधर जमा लिया मैंने ये रायता के लिए। इधर हमारी सब्जी बनकर आलू गोभी की सब्जी बन गई है ये देखिए, और इधर बन गई है हमारी खीर, बन के भी तैयार हो गई है। तो खीर जल्दी बनाती हूँ क्योंकि एकादशी का जो पारण करती हूँ ना, तो उसमें खीर बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके भरते पे मैं रखती हूँ खीर, और मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बहुत पसंद है। आप लोग कहते होंगे कि इसी कढ़ाई में खाना क्यों बनाते होंगे, तो मुझे बहुत पसंद है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई का खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊंगी तो मुझे बस इसी में सब्ज़ी अच्छी लगती है, और इसमें जो सब्ज़ी है ना वो टेस्टी बनती है। हो गया, और इसमें मैंने कुछ दरदरा गरम मसाला, वैसे मेरे पास है लेकिन मैं ऐसा मसाला ज़रूर डालती हूँ सब्जी में, तो ये मैंने मसाला डाला। इधर मैं डालूंगी हींग, तो हींग मैं ऐसे डालती हूँ सब्जी में, मैं पहले ही पानी में घोल के रख देती हूँ, इससे ना जो सब्जी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, और बहुत अच्छी हींग की खुशबू भी आती है सब्जी में। तो आप लोग भी ना कभी भी सब्जी वगैरह बनाएं तो आप लोग शायद कुछ लोग डालते भी होंगे, बट मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखिए, अब मैं ना ये सब्जी इसमें ये जो पानी है ना हींग का, मैं इसी में डाल दूँगी, तो इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और नमक मैंने पहले से ही डाल दिया हुआ था क्योंकि टमाटरों के साथ टमाटर गल जाते हैं अच्छी तरह से। अब ये खोल जाएगी सब्जी तब मैं इसको, ये मेरा आटा भी लग चुका है इधर, अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। तो मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, तो मैं पहले निकालूंगी गाय के लिए 11 पूड़ियां निकालती हूँ, और इसके बाद में
तो आप लोग भी खाइएगा। पहले तो हमारा भोग लगेगा भगवान का, इसके बाद मैं गाय को, और गाय को जाने के बाद ना पंडित जी खाएंगे, इसके बाद पंडित जी खाने के बाद ना फिर हम लोग ग्रहण करेंगे भोजन। तो आप भी आइए। और ये बना रही हूँ मैं कचौड़ी, ये मैंने स्टील की पिपाही निकाली हुई है आज। तो चलिए हमारी वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और आप लोग भी हमारे साथ साथ भोजन करिएगा। तो आज मैंने ये हाफ कोटी पहनी हुई है और हाफ ही मैंने कुर्ता पहना हुआ है। बताऊँ फिर गर्मी सी लगती है क्योंकि आज बादल हो रहा है ना, तो आज सर्दी तो इतनी नहीं है बट ज़्यादा सर्दी नहीं है, और मतलब गर्मी टाइप में हो रही थी तो मैंने कहा चलो ये पहनते हैं, क्योंकि फिर जो फुल बाजू का स्वेटर पहनते हैं ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे एकदम चुभन सी होती है, इसीलिए आज मैंने हाफ कुर्ता डाला हुआ था। तो ये देखिए हमारी थाली हो गई है तैयार, अब भगवान विष्णु लक्ष्मी और जो हमारे लड्डू गोपाल जी उनका भोग लगेगा पहले, तो इनका मैं अभी भोग लगाऊंगी, इसके बाद फिर पंडित जी खाएंगे, मतलब गाय को खिलाऊंगी, गाय खिलाने के बाद पंडित जी खाएंगे, जब हम लोग खाना ग्रहण करेंगे। ये देखिएगा मैं अपने कैमरा मैन से बोलती हूँ, पास से दिखाए तो ये देखिएगा, ये खीर है, ये आलू टमाटर की सब्जी है, कचौड़ी है, पूरी है, या आलू गोभी की सब्जी है। इतना खाना मैंने बनाया, रायता बना रही थी बट सर्दी हो रही है तो पंडित जी भी खाते हैं सर्दी में रायता। चलिए बस इतना भोजन है, ये आप लोग देखिएगा और आप लोग भी हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करें। तो ये देखिए भगवान जी हमारे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनका मैं भोग लगा रही हूँ। तो ये थाली बस थोड़ी देर मैं इनके पास रखूँगी, इसके बाद मैं यहाँ से थाली उठा लूँगी। तो ये लीजिए सभी देवी देवताओं, भोजन ग्रहण करो हमारा, जैसा भी है रूखा सूखा उसको ग्रहण करो आप, और ये भोजन अमृत बन जाए प्रभु। ये लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सभी लोग, ये गुरु जी महाराज, राधे राधे बाबू जी, कुछ हमारे भोजन। We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything, everything, everything. So hold on, don't
इधर उठा रही हूँ हमने इस पर सारे the day we can do anything and all our dreams light up the way we can have everything so stand up don't stop the best is in you we are the फ्रेंड्स मैं तो नहा चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट बनाने, और ये मैंने अपने हाथ से सूप बनाया हुआ था। और अब चलती पूजा पाठ मेरी हो चुकी है सब, और मैं चलती हूँ अपनी किचन में और कुछ बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो आप लोग हमारी वीडियो बने रहिए, और इधर देखिए अभी मेरा बेटा सो रहा है, अब मैं इसको भी जगाऊंगी, ये भी नहाएगा उसके बाद। और मैंने कपड़े कल के सारे कमरे में दूसरे में कमरे में पड़े हुए थे ना, बारिश हुई थी ना थोड़ी सी हल्की सी, और बादल भी था तो ड्राई करके डाल दिए हुए थे। अब उनकी तय लगाऊंगी कपड़ों की, पहले तो तय लगा के रखूँगी, इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और ये देखिए हमारी हो गई है इधर पूजा, और हमारे ये गोपाल जी का भोग भी लग गया है कान्हा जी का। उन्हें कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने, इनकी सर्दी लगती है इनको भी भाई मेरी तरह। तो ये सब पूजा पाठ हो चुकी है हमारी। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो है ना, जो आज की क्लिप है ना, इसी में ऐड कर दी है, और कुछ कल की क्लिप है, तो दोनों में मिक्स करके डाल रही हूँ ऑडियो। और ज़रा सी भी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं आप लोगों से, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना बस। और चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर।